बाबा नीमकदरी महाराज की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैं सुरेश कुमार शर्मा श्री महाराज मीडिया चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी भक्तों का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज बाबा नीमकदरी महाराज जी के समाधि स्थल वृंदावन आया हूँ। 11 सितंबर 1973 को बाबा जी ने यहाँ कैची धाम से आकर समाधि ली थी। ये बहुत ही रौनक मनमोहक जगह है, समाधि स्थल को आप देख सकते हैं और बहुत सारे भक्तों ने यहाँ आकर आज दर्शन किए हैं। कई सारे भक्त बॉम्बे से, कई सारे जो मेरे साथ है उनसे मैं आज आपको इंटरव्यू करवा देता हूँ कि उनके साथ भी बहुत सारे जीवन में चमत्कार हुए हैं। बहुत सारे जो चमत्कार की घटना हुई है, बाबा जी रोज़ चमत्कार करते हैं। बहुत ही चमत्कारिक प्रभु है ये बाबा नीमकदरी महाराज, और इनसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ। जी नमस्ते, मेरा नाम बजरंग शर्मा है और मुझे काफ़ी कुछ अनुभव हुआ है बाबा। कितने दिनों से जुड़े हुए आप? जुड़ा मतलब ये है कि भाई जब से देखते तो बहुत पहले से थे कि बाबा जी हैं, उनके चमत्कार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब पता लगा, सब कुछ अच्छा लगा और जब थोड़ी आस्था हुई तो बाबा जी के चमत्कार, बाबा हैं तो चमत्कार है। तो जय नीम करौली बाबा की जय हो। मैम भी आए हैं, उनसे भी थोड़ा पूछ लीजिए वो कहाँ से। इनके जीवन में भी काफ़ी चमत्कार हुए हैं बाबा के कृपा से। बहुत ज़्यादा हुए हैं। मैम कहाँ से आए हैं उनसे? आप कहाँ से आए मैडम? जी कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान से, हम भी राजस्थान से है। अच्छा, कब से जुड़े हैं आप बाबा से? करीब करीब साल भर हो गए सर। अच्छा, अच्छा। और एक साल पहले मेरे बेटे के एवीएन हुआ था, जो हम हल्द्वानी गए थे तो वहाँ पे किसी ने बताया कि आप नीम करौली वाले बाबा की जाइएगा तो अर्जी लगाइएगा। तो सबसे पहले कैसे मालूम पड़ा आपको वहाँ पे? हल्द्वानी में किसी ने बताया कि आप अपने वहाँ पे बेटे को जाके माथा टेक के वहाँ बोल के आइए मन्नत। तो हम वहाँ पे गए और मेरे बेटे के मतलब 75 पर आराम आ गया। अच्छा, अच्छा, आराम आया। बहुत, है बहुत बढ़िया। और आज इनसे जुड़ के इतना रिलीफ मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि रहते हैं मिलने के लिए। जी, तो जी। स्पेशली कैची धाम जाते हैं आप रेगुलर? जी जी जी, कैची धाम भी होके आते हैं और अब फर्स्ट बार यहाँ आए हैं बाबा के दर्शन के लिए समाधि स्थल पे। तो बस इन मतलब सपने आने लग गए थे, एक अलग सा वो होने लगा। देखिए भक्तों में बहुत चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। ये बहुत ही चमत्कारिक हनुमान जी के अवतार है ये साक्षात। हाँ धन्यवाद।